कार्तिक और नायरा एक साथ रह रहे हैं और वे कारव के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे और लगातार स्थिति बदल रही है। कार्तिक और नायरा अपने पुराने प्यार और अपने गुस्से को खोने के एहसास को पुनर्जीवित कर रहे हैं। नायरा को लगता है कि वे अब ऐसा नहीं कर सकती। नायरा कमजोर पड़ रही है और कार्तिक के साथ बिताए सभी प्रेम क्षणों को याद करती है। कैरावत कार्तिक और नायरा को करीब ला रहा है और इस तरह उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। जबकि कार्तिक और नायरा की ये परेशानी सहप्रेम वेदिका के लिए अधिक दर्दनाक है, क्योंकि उसे इस सब से निपटना है। वेदिका को कार्तिक की पत्नी का कोई अधिकार नहीं मिला है और ये शादी उसके लिए मुसीबत बन गई है। कार्तिक और नायरा एक ही घर में एक साथ रह रहे हैं और करव के लिए सामान्य अभिनय करने की कोशिश कर रहे हैं। कैरव सभी प्रयास कार्तिक और नायरा को करीब ला रहे हैं और वे इसका विरोध नहीं कर सकते। कार्तिक और नायरा में प्यार की भावनाएं हैं और अब ये कायाकल्प कर रहा है और उनके लिए दर्दनाक है। जबकि यह सब कार्तिक और नायरा को करीब लाने और अंततः उनके संग मिलाने जा रहा है, जो वेदिका के लिए चुनौती बनने जा रहा है। वेदिका कार्तिक और नायरा के संग नाटक में पीड़ित है और उसने परिवार के कारण यह सब सहन किया है। कैरावत कार्तिक और नायरा से परेशान है और स्टोर रूम में छिप जाता है। कार्तिक और नायरा ये देखने के लिए बेचैन है कि कारव गायब है और अंत में उसे स्टोर रूम में पाता है। इधर कार्तिक उसे उठा लेता है और उसे वापस ले जाता है। कार्तिक कारव की देखभाल नहीं करने के लिए नायरा पर लपका। कार्तिक और नायरा के पुनर्विवाह की मांग को कैरावत नहीं रखेगा और उन्हें बताता है कि वह उन्हें शादी करते हुए देखना चाहता है। दादी और पूरा गोयन का परिवार स्तब्ध है, क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कार्तिक और नायरा बेटे के राव के लिए पुनर्विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नायरा सिर्फ गर्व के लिए गोयन का घर में रह रही है, हालांकि इतने सालों के बाद अजीब महसूस कर रही है। कैरन नायरा को बना रहा है और कार्तिक अपने परिवार के पल का आनंद ले रहा है। जैसा कि नायरा ने स्थिति को निपटाना और संभालना शुरू कर दिया है, यहां एक और मुसीबत की प्रविष्टि है। लिसा सभी बिखर गई है, क्योंकि उसका प्रेमी उदयपुर आने के बाद से उससे संपर्क नहीं कर रहा है और लिसा इस पर बहुत चिंतित है। लीजा नायरा की मदद चाहती है और ये उसके बारे में चौंकाने वाला सच सामने लाने वाला है कि लीजा का प्रेमी कोई और नहीं बल्कि अखिलेश है।